नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनी ऐप से सामान ऑर्डर क्यों नहीं हो पाता है, इसका क्या क्या कारण है और इसे ठीक कैसे करेंगे। दोस्तों मैं आपको हर स्टेप एक मिनान से करके दिखाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा कि क्या कारण है और इसे ठीक कैसे होगा। तो वीडियो को देखते रहिए एक मिनान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होम स्क्रीन है और हम आपको क्या कारण है ये पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो ज़्यादातर एड्रेस से रिलेटेड आता है। जब आप गलत एड्रेस डालते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे किसी भी सामान को ऑर्डर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सही है और क्या क्या सही डालना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिसेंट में कुछ सामान है, हम इसी सामान को यहाँ पर ऑर्डर करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये टी शर्ट है, इसको हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं। आप सर्च भी करके भी आप किसी भी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पहले क्या करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेट वगैरह है, यहाँ पे रेटिंग है, यहाँ पे दाम लिखा हुआ है। इसको आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट्स पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको कार्ड में ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको साइज सिलेक्ट कर लेना है, जो भी साइज आपको लेना है वो, और उसके बाद ऐड टू कार्ट्स कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, यहाँ पे आपको बैक आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ट्स में जाना है, कार्ट्स में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क स्लो के कारण मेरा वो कार्ड में ऐड नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे फिर से कार्ड में ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट्स पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्ड में अब ऐड हो चुका है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्ड्स का ऑप्शन है, इसमें एक ऐड हो चुका है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो चुका है। अब हमें इसे ऑर्डर करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें एड्रेस के ऑप्शन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेमेंट का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे समरी का ऑप्शन। तो एक एक करके हम सबको सॉल्व करते हैं और हम हर स्टेप को एक मिनान से करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस है, तो चलिए हम एड्रेस में कुछ बता देते हैं। थोड़ा सा एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले आपको नाम डालना है बढ़िया से अपना, उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है और ईमेल डाल देना है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एड्रेस के ऑप्शन में कैसे डालना है ये आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको हाउस नंबर और बिल्डिंग नेम में आपको, अगर आपका हाउस नंबर है तो आप हाउस नंबर डाल सकते हैं, आपको याद है तो डाल सकते हैं, आपको बिल्डिंग नेम याद है तो आपको जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम है या फिर याद है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं याद है तो अपने आसपास का किसी भी किराना स्टोर या फिर कोई भी घर है जो कि फेमस है उसका आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको रोड नेम, एरिया, कॉलोनी में आपको अपना एरिया का नाम डाल देना है और जो रोड आपके एरिया में आ रहा है उस रोड को डाल देना है ताकि डिलीवर बॉय को आने में कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, पिन कोड डालते ही यहाँ पे सिटी और स्टेट खुद से ले लेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको नियर वे में आपको हनुमान मंदिर, आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का नाम डाला हुआ है। अगर आपके एरिया में कोई फेमस मंदिर, मस्जिद या फिर स्कूल, हॉस्पिटल ये सब चीज़ होगा तो आप डाल सकते हैं। नियर वे लोकेशन में यही सब चीज़ें डाला जाता है ताकि डिलीवर बॉय को किसी भी कोई भी फेमस जगह पर आप आसानी से पहुँच सकता है किसी से पूछ के। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर इसमें किसी भी चीज़ में गलती होगा थोड़ा सा, जैसे कि आपको हाउस नंबर बिल्डिंग नेम में आपको गड़बड़ी होगा तो ये रेड बत्ती जल जाएगा, यहाँ पे ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड भी गलत डालेंगे या फिर यहाँ पर एरिया का नाम वगैरह गलत डालेंगे तो यहाँ पर ये नहीं लेगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस कंटिन्यू पर क्लिक कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवर टू दिस एड्रेस, ये एड्रेस सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एंड कैश ऑन डिलीवरी। आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि आप पार्सल मिलने के बाद आप कैश दे सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो मर्जी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, हम फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी करते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये समरी में आ गए हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा सामान। तो चलिए मैं इसे ऑर्डर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और ये थोड़ा देर ये ओपनिंग होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर कन्फर्म्ड हो चुका है, अब मेरा सामान ऑर्डर हो चुका है। तो चलिए मैं उसे देखता हूँ कि यहाँ कहाँ पर वो सामान ऑर्डर हो चुका है। तो यहाँ पे हम अकाउंट्स में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे माई ऑर्डर में जाएंगे तो वो सामान हमें दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज भी ऊपर आ चुका है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सामान मेरा ऑर्डर हो चुका है। इस पर क्लिक करके हम ट्रैक भी कर सकते हैं, सामान को देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद शिफ्टेड होगा, उसके बाद डिलीवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से सामान को ऑर्डर कर सकते हैं और आप हर स्टेप को एक ध्यान से देख देख कर आप समझ समझ के कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।